अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रोफेसर्स को सर्च आउट कैसे करना है किसी भी कंट्री के, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोरिया हो, या यूरोपियन कंट्रीज हों, जो भी हों, उनको आपने फाइंड आउट कैसे करना है। एक तरीका तो यही होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक जो तरीका है फाइंड आउट करने का, वो ये है कि आप सिंपल गूगल पे लिखें स्टाफ फैकल्टी फलां फलां, जो भी यूनिवर्सिटी आप लिखना चाहें। तो उस तरह से क्या होता है कि आप लोग ओपन कर लेते हैं, प्रोग्राम्स में जाके आप ढूंढ लेते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे शो हो भी रहे होते हैं और काफ़ी के नहीं भी हो रहे होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने फाइंड आउट कैसे करना है। असल में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे कंट्रीज़ में जो ऑफिशियल्स इदारे हैं या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ईमेल कुछ इस तरह से होती हैं। जैसे आपने देखा होगा मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आर उस्मान @uog.edu.pk। ये आप देख रहे हैं कि हम, अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का स्टूडेंट हूँ या किसी और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ या प्रोफेसर हूँ, तो मेरे पास जो ईमेल होती है वो इस तरह की होती है, प्रोफेशनल ईमेल जो होती है, मतलब कि यूनिवर्सिटी साइटेशन होती हैं। इसी तरीके से जो है आपके चाइना का या जापान का भी होता है। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अब चाइना के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है कि आप जो है ना अपने गूगल में, edu.cn, cn का मतलब है चाइना, जैसा कि हमारा वहाँ पे पीके था पाकिस्तान, यहाँ पे cn, जैसा कि आप, अब ये उनका यूआरएल है, एंड पे पॉइंट है, उनकी ईमेल का एंड पॉइंट है कि आपने ऐसे एंड करना है। इस तरह से आप गूगल पे लिखें और लिखने के बाद आगे आप कोई भी लिख लें कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सर्च आउट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी लिख देते हो यहाँ पे FGPA प्रोफेसर्स, मैं लिख देता हूँ, आप प्रोफेसर्स लिखते हो। जैसे ही आप इसको सर्च आउट करोगे, ये देखिए यहाँ पे जो है फैकल्टी ऑटोमेटिक जो है आ गई है उस यूनिवर्सिटी की। जैसा कि आप ये देखें एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। येन जिनमैन, ये उनका प्रोफेसर है, आप इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ये लियो गोजी लीडरशिप पीपल, ये उनकी फैकल्टी आ गई है, कॉन्जेंस लीडरशिप पीपल स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इस तरह से लिंक दे के आप किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सर्च आउट कर सकते हो, चाहे वो चाइना हो या वो किसी और कंट्री को। तो ये तरीका सबसे आसान है किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सर्च आउट करने का। अभी मेरे पास यहाँ पे नेट नहीं आ रहा तो ये ओपन नहीं हो रही, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोफाइल्स ओपन हो गई हैं। फैकल्टी ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी वेंजियन, एसोसिएट प्रोफेसर आ गए हैं, यान जिंगवेन आ गया है, ये आ गए हैं, ये काफ़ी सारे यहाँ पे देख रहे हैं फैकल्टी मेम्बर्स आ गए हैं, बहुत सारे। आप वन बाय वन सर्च कर सकते हो और यहाँ से उनकी जो है कॉन्टैक्ट ईमेल फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो का भी बताने का यही मकसद था कि आपने प्रोफेसर को सर्च कैसे करना है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, मेल करने के लिए, कि आपने मेल उनको करनी है तो उसके लिए आपके पास कॉन्टैक्ट क्या होगा। और जब मेल करनी होती है, मैं आपको बताता चलूँ, आपने, अगर आपको प्रोफेसर का नाम पता है तो आपने रिस्पेक्टेड नहीं लिखना। रिस्पेक्टेड और प्रोफेसर दोनों ही एक ही नाम है, दोनों का रिस्पेक्टेबल में ही आता है, तो कोशिश करनी है आपने डेयर यूज़ कर लेना है, या हाँ डेयर ही ज़्यादा बेहतर होता है, डेयर फलां फलां। रिस्पेक्टेड भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर की तरफ जाना है, अच्छा लिखना है, तो अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी से अच्छी ईमेल बना के आप उनको फॉरवर्ड करनी होती है। इस तरह से जो है कोई भी फैकल्टी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी की, चाइना की, आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से जैसा कि अब कोरिया के स्कॉलरशिप्स आते हैं, कोरिया के भी सेम ऐसे ही होते हैं। जैसा कि अब आपने करना है कि आप करना चाहते हो कि जी मैं कोरिया का करता हूँ, कोरिया का करें या जापान का करें, वहाँ पे भी सेम ऐसे, उनका भी इसी तरह से यूआरएल होगा, इसी तरीके से एंड पॉइंट होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने कैसे सर्च आउट करना है। आज के लिए इतना ही।